नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। जैसा आप जानते ही हैं, हमारे कार्यालय से जन्म कुंडली हस्तरेखा रत्न वास्तु के साथ साथ शेयर मार्केट की एस्ट्रोलॉजी में आप गोल्ड है, सिल्वर है, निफ्टी है, निफ्टी बैंक है, क्रूड ऑयल है, इन सभी का दैनिक, वीकली और मंथली प्रेडिक्शन प्राप्त कर सकते हैं। साथ में टाइम फ्रेम भी आप जानते हैं, लेवल्स भी आप जानते हैं, जो कि बड़े सही और सटीक साबित होते हैं। अब हम देखेंगे कि 2025 में किन राशियों पर शनि की 7.5 का प्रभाव रहने वाला है और किन पर 2.5 का प्रभाव रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, शनि देवता जब राशियों पर गोचर करते हैं तो व्यक्तियों को अपने जीवन में कार्य हो, व्यापार हो, शादी हो, विवाह हो, आपका किसी भी क्षेत्र में हो, धन का लेना देना हो, जमीन हो, जायदाद हो, भूमि हो, वाहन हो, किसी न किसी प्रकार से आपको कोई ना कोई प्रकार की परेशानियाँ जो है देखने को ही मिलती हैं। तो जी हाँ दोस्तों, शनि का क्या प्रभाव रह सकता है, किन किन राशियों पर रह सकता है? तो शनि के प्रभाव के कारण व्यक्तियों को जो है परेशानी उठानी पड़ती है, लेकिन शनि देवता नियम कानून के पक्के होते हैं, आदर भाव के जो है पक्के होते हैं। जो लोग बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, ऐसे लोगों पर कभी भी शनि की कुदृष्टि नहीं पड़ती है। लेकिन और दुखी गरीबों की मदद करते हैं, ऐसा करने से शनि देवता निरंतर प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। लेकिन इसके विपरीत जब आप बड़े बुजुर्गों का निरादर करते हैं, उनका अपमान करते हैं, तो इन सारी चीजों के कारण शनि की 7.5 का असर और भी बुरा देखने को मिलता है। तो जहाँ तक हो सके तो 7.5 के दौरान, 2.5 के दौरान व्यक्ति को अपने जीवन में शांति और धैर्य का उपयोग करना चाहिए। जब शांति और धैर्य दोनों साथ में रहते हैं तो बड़े से बड़े संकट या कष्ट भी व्यक्ति के दूर हो जाते हैं। अब हम देखेंगे कि किन किन राशि वालों को जो है शनि की 7.5 का प्रभाव रहेगा, 2.5 का प्रभाव रहेगा। सबसे पहले तो जो आपकी मकर राशि है, मकर राशि को 29 मार्च से जो है शनि की 7.5 उतर जाएगी मकर राशि पर, और कुंभ राशि आपकी मीन राशि और मेष राशि की जो है सिर पर रहेगी, और कुंभ राशि के पैरों पर रहेगी, और मीन राशि के हृदय पर 7.5 का प्रभाव रहेगा, और मेष राशि के सिर पर प्रभाव रहेगा। अब हम देखते हैं कि कौन सी राशियों पर 2.5 का प्रभाव बन रहा है। तो 2.5 की यदि हम बात करते हैं तो आपकी सिंह राशि और धनु राशि, इन दो राशियों पर जो है शनि की 2.5 का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से ये जो भी आपकी 5 राशियां हैं जो है कष्टकारी समय देख सकती हैं, और यह 7.5 जो है मेष राशि पर प्रारंभ हो रही है, तो 7.5 साल का समय आपके लिए बड़ा कष्टकारी साबित हो सकता है। लेकिन फिर भी धैर्य का उपयोग करें, शनि के उपाय करते रहें, हनुमान जी को सरसों के तेल का दीपक लगाएं, पीपल की पूजन करें, शनिवार के दिन काली वस्तुओं का दान करें, गरीबों को दान करें, तेल का दान करें, छाया पात्र देखकर अपना चेहरा दान करें, चेहरा देखकर के छाया पात्र दान करें, तेल देखकर तेल में जो है चेहरा देख लें उसे दान करें, इसे छाया पात्र कहा जाता है। तो इस प्रकार से जब हम करेंगे तो शनि की 7.5 का जो प्रभाव जाता रहता है और शुभ फल की प्राप्ति होती है, और अपने आचार विचार शुद्ध रखें, पीपल की पूजा नित्य करें। बहुत अधिक परेशानियां चल रही हैं तो आपको निश्चय ही शनि की 23,000 जाप शांति करवा लेना चाहिए, जिससे आप आने वाले बड़े से बड़े संकट कष्ट परेशानियों से भी आप बच सकते हैं। तो यह रही शनि की 7.5 और 2.5 किन राशियों पर है के बारे में जानकारी। अगले कुछ वीडियो में नई जानकारी लेकर आएंगे आपके लिए। और आप जानते ही हैं कि कार्यालय से जन्म कुंडली हस्तरेखा रत्न वास्तु के साथ साथ शेयर मार्केट एस्ट्रोलॉजी का काम किया जाता है, जिसमें आप गोल्ड है, सिल्वर है, निफ्टी है, निफ्टी बैंक, क्रूड ऑयल का सभी दैनिक, वीकली, मंथली प्रेडिक्शन ले सकते हैं, अपनी पत्रिका भी दिखला सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए।